प्रावधान किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बायोमेट्रिक तो है ही भाई, उसमें आंखों की पुतलियों के आप फोटो ले सकते हैं और उंगलियों के निशान ले सकते हैं, बाकी बचा क्या फिर? चेहरे का रिकॉग्निशन तो हो ही जाता है वहां पे। इम्पोर्टेंट बात आपने कही है नेहरा साहब, एक बार इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करता हूँ और प्रवीण जी मैं आपके पास आता हूँ, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है फिजिकल टेस्ट जो होते हैं उस पर भी बायोमेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करना, आईरिस स्कैन रेटिना स्कैन वगैरह कंटिन्यू करना, और अगर है तो फिर ये नहीं? देखिए जो नेहरा जी ने बात कही है टेक्नोलॉजी की, वो बिल्कुल सही बात कही है, और जिस आरएफआईडी का नेहरा जी जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर पुलिस भर्तियों में आरएफआईडी का उपयोग हुआ। आपको याद होगा अमित जी को मैं एड्रेस करके बात कह रहा हूँ, अमित जी लगभग 2015 में पुलिस भर्तियां हुई थी जिसमें पहली बार हरियाणा में आरएफआईडी का उपयोग हुआ, लेकिन विपक्ष ने वहां पे भी आलोचना करने से बाद नहीं आया था, विपक्ष ने आरएफआईडी के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। दूसरी बात जो आपने पूछा था केशव जी कि जब हाइट वगैरह की पैमाइश होती है तो अधिकारी गणपत, वीडियोग्राफी का प्रावधान आयोग ने इसके लिए किया हुआ है, बाकायदा वीडियोग्राफी होती है उनमें, कि अगर कोई अधिकारी इस तरह की कोई गड़बड़ करना भी चाहे तो वो कर ना सके। मैं बिल्कुल सहमत हूँ नेहरा जी की बात से कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी सहायक होती है, जिसका उपयोग यहाँ पे आयोग ने बाकायदा उसका प्रावधान किया हुआ है। इसलिए मैं ये दावा कर रहा हूँ कि सरकार इतनी सचेत है कि इस तरह की कोई धांधली ना हो। लेकिन एक बात याद रखिए, वीडियोग्राफी जो है वो बहुत एक जीरो एरर वाला सोल्यूशन नहीं कह सकते सर आप उसे, वीडियोग्राफी तो लाइसेंस बनाने के दौरान लोग घर बैठे लाइसेंस बना लेते हैं सर। नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि वीडियोग्राफी का जब कोई हाइट मेजरमेंट की बात होती है, देखिए दौड़ के अंदर तो वीडियोग्राफी में आपके सवाल से सहमत हुई, इसलिए वहां पे आ रहे भाई जिसकी बात नेहरा जी ने कही है।